हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम हाजिर हैं। ये देखिए, बंदरवाल बना रहे हैं हम। उसको लट लैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये 4x4 के पीस लिए हैं और इस पीस को ऐसे मोड़ते हुए और फिर इसको हमें ऐसे मोड़ देंगे और ये कोना निकल के आएगा। इस कोने पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम चला देंगे मशीन। मशीन चलाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा तैयार। और फिर हम लेंगे एक लंबी, जितनी भी अपना रस लेनी हो कपड़ा, 2.25 मीटर का लंबा कपड़ा बंदरवाल या जितनी अपना लैस बनानी हो उसके हिसाब से। और उसको फिर हम दोनों तरफ से ऐसे मुड़ते हुए थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे और थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे और बीच में जो ये बनाएंगे उसको रख के और हम लैस लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों के बीच में मैंने इसको दबा के और ये इस तरह से लगा लिया। पहले इसको जोड़ लेंगे तो इसमें अच्छे से ये फिट हो जाएगा। ये मैंने इस तरह से लगा लिए हैं और फिर हम यहाँ लगाएंगे हुक लटकने के लिए, हैंगर। उसके लिए क्या करेंगे, हम 2x2 का कपड़ा लेंगे। ये देखिए, 2x2 का कपड़ा लेंगे और उस कपड़े को इसी तरह से मोड़ेंगे जिस तरह से इसको मोड़ा है, ऐसे मोड़ के और फिर इस तरह से एक के ऊपर हम एक लगा लेंगे, दो, और यहाँ लगा लेंगे मोती। आपके पास पड़े हों, ये देखिए मैंने निकाल के रखे हुए हैं ये, और ये इस तरह से मोती लगा लेंगे। मैंने कुछ लगा के रखे हैं, इस तरह से हम इनके बीच में, सबके बीच में एक एक अटैच कर लेंगे। और इससे ये देखिए, एक हमारी सुंदर बंदरवाल या लैस के रूप में प्रयोग करना चाहे तो एक लैस बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अभी कुछ इसके लगाने रहते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे लगाने रहते हैं, यहाँ लगाऊंगी मैं। ये मैं तो ये मुड्डी के लिए लैस बना रही हूँ, फ्लावर सोफे के लिए। आप चाहे तो इसमें बंदरवाल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1 रुपये के चिपकने वाले भगवान के स्टिकर आते हैं वो हम शुभ लाभ के, वो कुछ भी इस पे चिपका सकते हैं। मंदिर वगैरह में हम इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये एक ओम पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे ओम लगा दिया। और पड़े हों तो और भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगाया है बीच वाले में और ये एक अच्छी बंदरवाल तैयार हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा ये और भी कपड़ा लगा सकती थी मैं, अगर मैं इसे बंदरवाल के रूप में ही प्रयोग कर रही होती, लेकिन मैं इसे लैस के रूप में प्रयोग कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये इस तरह से ये बन के हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए, पूरी बनने के बाद कैसी लगती है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर से मैंने ऐसे धागा निकाला, फिर मैं ये एक मोती डाल दूँगी इसमें, फिर ये दूसरी तरह का डाल दिया और तीसरा ही डाल के इस तरह से। और अब हम इस पर इसको इस तरफ से लेते हुए 2 बार निकाल देंगे और फिर हम वापस उस तरफ ले जाएंगे। ये इस तरह से ले जाके उस तरफ और फिर हम वापस उसी तरफ ले जाकर गांठ लगा देंगे। वापस उस तरफ जाएंगे और यहाँ हम लगा देंगे धागे की गांठ। ये धागे का गांठ लगी है, उसको मैं काट दूंगी बाद में। ये देखिए, यहाँ 2 बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो मैं लैस बना रही थी, ये मैंने इस गद्दी के लिए बनाई थी। आप चाहें तो इसका बंदरवाल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये गद्दी के लिए बनाई है। और ये देखिए आप, बिल्कुल सुंदर लग रही है। आपको अच्छी लगे तो आप बना सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।